हरियाणा सरकार की ओर से पिंजौर के शमशान घाट को मिले बैठने के लिए 15 बेंच, भाजपा वर्करों ने जताया आभार। सैनी मोहल्ला रामबाग रोड पर मौजूद पिंजौर के शमशान घाट को हरियाणा सरकार की ओर से 15 नए बेंच मिले हैं। इसके लिए भाजपा वर्कर पिंजौर ने हरियाणा सरकार सहित अंबाला सांसद रतनलाल कटारिया, कालका पूर्व विधायक लतिका शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय शर्मा, भाजपा वरिष्ठ नेता संजीव कौशल ने आभार जताया है। इस संबंध में रामबाग रोड में एक कार्यक्रम के तहत यहां भाजपा मंडल प्रधान नराताराम, संजीव कौशल, राजेश कुमार, हरेश मोंगा, आत्म प्रकाश आर्य के अलावा रामबाग सुधार कमेटी प्रधान संतराम शर्मा, सुरेंद्र साहनी मौजूद हुए। यहां पर बुजुर्गों के बैठने लायक बेंच नहीं थे और लोगों की मांग भी थी, जिसके बाद यहाँ सरकार की ओर से 15 बेंच प्रदान किए गए। भाजपा वरिष्ठ नेता संजीव कौशल ने 15 बेंच देने के लिए अंबाला सांसद रतनलाल कटारिया, कालका पूर्व विधायक लतिका शर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष अजय शर्मा का आभार जताया है। यहां पहुंचने पर रामबाग सुधार कमेटी के सदस्यों ने भाजपा वर्करों का फूलों के हार पहनाकर स्वागत किया था। हमारे पूर्व सरपंच संतराम जी और उनकी टीम ने, सुरेंद्र अंकल जी, वासुदेव जी, मेरे साथ नराताराम जी हैं, हरीश जी हैं, आर्य जी हैं, नेश पाठक और रिजय जी, हमारे एक डिमांड आ रही थी कि भी यहाँ बेंच होने चाहिए। तो ये घर ऐसा घर है, यहाँ कोई राजनीति वाली बात नहीं है, यहाँ कोई ऐसी कोई बोल नहीं, पर यहाँ हम सबने यहीं आना, सारे शहर ने आना, सारे शहर के लोगों के रिश्तेदार यहीं आते हैं। तो जो इनकी डिमांड थी, बड़ी जेन्युइन सी डिमांड थी कि कोई लोग आए और बैठ जाए, उन्होंने बेंच यही दी। मैं अपनी बहन लता शर्मा और रतनलाल कटारिया और हमारे जो जिला प्रधान अजय शर्मा, तीनों को ये बात यही थी।